हाय, मैं हूँ तवल किदारिया। ये मेरा दूसरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कपड़े यानी क्लोथ्स की शुरुआत कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 4 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने अपने शरीर को प्रोटेक्ट यानी बचाने के लिए क्लोथ्स बनाए थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले के जो कपड़े बनाए गए थे वो शिकार किए गए प्राणी की चमड़ी और पत्तों से बनाए गए थे। ह्यूमन बॉडी एनालिसिस से पता चलता है कि जुए यानी लाइस का ह्यूमन बॉडी पे अस्तित्व भी उसी चमड़ी के कपड़ों के इस्तेमाल से हुआ था। ये कपड़े उन आदि मानवों को ठंडी, गर्मी और बारिश से बचाता था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव वैज्ञानिक बताते हैं कि सिलाई की सुई की खोज की तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन वो करीब ईस्वी सन के 30,000 साल पहले बनाई गई थी। पहली सिलाई की सुई शिकार किए गए प्राणी की हड्डियों से बनाई गई थी, जैसे कि मछली की हड्डी, सांप की हड्डी इत्यादि चीज़ों से। कपड़ा उद्योग पिछले एक सदी में काफ़ी बदल चुका है और ये पहला ऐसा उद्योग था जिसमें सबसे पहले मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। आज के दौर के कपड़े अति आधुनिक हो चुके हैं, जो ना कि हमें सिर्फ ठंडी, गर्मी और बारिश से बचाते हैं, बल्कि बुलेट यानी गोली, आग, अंतरिक्ष और गोता लगाने के लिए भी काम आते हैं। तो कुछ ऐसा रहा था कपड़ों का इतिहास, जो कल कुछ और था, आज कुछ और है और कल कुछ और होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। माना जाता है कि मानव के सबसे पहले आविष्कारों में चकमक पत्थर भी शामिल है और उसे कुदरती अवस्था में ही आदि मानवों द्वारा यूज़ किया जाता था।